हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको इसमें से करीब आपको 5 क्वेश्चन इस 25 में से आपको 5 या 10 क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, नर्सिंग एग्ज़ाम में। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो 2020 में नर्सिंग एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो आपके इसमें आपको 100% फंस जाएंगे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने पर थे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आई आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो आज का तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार दे रहा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑप्शन, यादें बेंजीन को सांद्रण नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड को मतलब गर्म किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक एक एसिड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन और सेकेंड अर्थो डाई बेंजो वेंट्रो बेंजीन और थर्ड ऑप्शन है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन और डी ऑप्शन है पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन बनता है, 60 गर्म करने पर नाइट्रोजन बनता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में इस तरफ पूछा है कि ट्रांस टू ब्यूटेन और ब्रोमीन की प्रक्रिया से प्राप्त यौगिक हैं। ए ऑप्शन 2R3R कोष्टक बन 2.3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन और सेकेंड ऑप्शन है 2S3S और 2.3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो थर्ड ऑप्शन है प्रतिबिंब मिश्रण 2.3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन या फिर डी ऑप्शन मीजो 2.3 डाई ब्रोमो ब्यूट्रेनर। तो इसका राइट आंसर है यही मोजो 2.3 डाई ब्रोमो ब्यूटेरन नर्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के यौगिक में कौन गर्नार्ड अभिक्रमक से प्रतिक्रिया नहीं करेगा? गर्नार्ड से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसे आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1-एल्काइन एल्केन या फिर कीटोन या फिर एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर सेकेंड एल्केन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में कुछ इस प्रकार पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में तत्वों के स्टिक परिवर्तन को चिन्ह करें। यहाँ पर इस प्रकार की अभिक्रिया Cu+2Ag पॉजिटिव SQ एरो Cu2 पॉजिटिव AQ कोष्टक छोटा कोष्टक बंद प्लस 2AgS। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव के उपचायन में और सेकंड ऑप्शन है Ag पॉजिटिव का Ag के ऑक्सीकरण में या फिर सी ऑप्शन Cu2 पॉजिटिव के में ऑक्सीकरण एवं Ag पॉजिटिव का Ag में अपचायन और लास्ट ऑप्शन है यह अपचयोपचय अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हमारा जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि क्या इसमें पढ़े हैं। तो इसका है अपचयोपचय है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन Cu+Cu2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण एवं Ag पॉजिटिव का Ag में अपचयन।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को वर्गित कीजिए। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, टू पी क्यू एन एन ओ थ्री होल ट्वाइस एरो टू पी वी ओ प्लस फोर एन ओ टू प्लस ओ टू। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन अपघटक अभिक्रिया, सी ऑप्शन संकलन अभिक्रिया, या फिर डी ऑप्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अपघटन अभिक्रिया। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में एक जिस प्रकार पूछ रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप जीरो केल्विन से 100 केल्विन तक बढ़ाने पर एंट्रोट्रॉफी में क्या परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन बढ़ेगा, बी ऑप्शन घटेगा, सी ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर डी ऑप्शन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसमें राइट आंसर है 0. के और के से 100 मतलब 100 के कैल्शियम बढ़ाने के लिए एंट्रोट्रॉफी में परिवर्तन हमेशा बढ़ेगा, ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मोल नाइट्रोजन में कितने अणु होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल सरल है, या नोट कर लीजिए यहाँ पर। ये आपको 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन दिला सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 6.022 × 10³। और बी ऑप्शन है 6.627 × 10²। थर्ड ऑप्शन है 6.022 × 10³। और लास्ट -23 है। और लास्ट ऑप्शन है 6.627 × 10²-27। तो इसका राइट आंसर है 6.022 × 10³-23। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 की तरफ, 8 में कुछ स्क्रिप्ट इस प्रकार पूछ रहा है कि सीजीएस इकाई में दुबे का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन घनत्व में, तापीय दृढ़ता में, बिजली के द्विध्रुवीय पल में, या फिर श्यानता के लिए। तो इसका राइट आंसर है बिजली के द्विध्रुवीय पल में। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। चलते 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ रहा है, विद्युत चुम्बकीय विकरण को आवृत्ति के अनुसार सही क्रम में सजाइए। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है गामा रे, अल्ट्रा मायो, मायोलेट, एरो, माइक्रोमो एक्सरे। तो इसका राइट आंसर है सेकंड इज द राइट आंसर है गामा रे, एरो, एक्सरे, एरो, अल्ट्रा मायोलेट एवं माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान से आपको बस सही क्रम में जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर 200 एटमोस्फेरिक दबाव पर 10 लीटर ऑक्सीजन धारण करता है। अगर एक मरीज सांस लेते समय 0.50 मिलीलीटर ऑक्सीजन हर बार लेता है तो कितनी बार सांस लेने के लिए उच्च ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त होगा। तापमान 30°C। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 4×10²। और सेकंड ऑप्शन है 4×10³। और थर्ड ऑप्शन है 4×10²। और लास्ट ऑप्शन है 4×10²-6। तो इसका राइट आंसर है 4×10²-6। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 11 में कुछ इस पर, निम्नलिखित को स्टेरिलिटी क्रम में सजाइए। फर्स्ट ऑप्शन है वेंडर वाल्स एंड डिपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिपोल एंड वेंडर वाल्स इज द राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। और 12th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर 37°C मनुष्य का रक्त का औसत ऑस्मेटिक दबाव 7.69 ATM है तो एंट्रोवेनस इंजेक्शन देने से ग्लूकोज की मात्रा कितने होने पर ऑक्सोमेटिक
रक्तचाप परिवर्तन होगा। आर बराबर 0.82118 mg के माइनस वन पर ml मोल माइनस वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्मूला C6H12 और O6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिए जिससे कि आपको परीक्षा में आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 54.2, सेकंड ऑप्शन है 64.2 और थर्ड ऑप्शन है 34.2 ग्राम और लास्ट ऑप्शन है 44.2 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 54.2 ग्राम इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अब कुछ दिनों में हम आपको सॉल्व करके ही बताएंगे कैसे क्या किसका आंसर आता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सही उक्ति को चिन्हित कीजिए। एक सौ फर्स्ट ऑप्शन है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कैमरे की साधारण तापमान पर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर एरोमेटिक डाई एंजोनियम लवण बनता है। और सेकंड ऑप्शन प्राथमिक टेलीफेटिक एमिनो कैमरे के साधारण कमरे के साधारण तापमान पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से एलिफेटिक डाई एजोनियम लवण बनता है जो स्थायी है। और थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन निम्न ताप पर 0.0 से 5.0 सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर यही है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन निम्न ताप 0.3 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करता है इसका राइट आंसर। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 13 क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर इस बुक के बारे में अगर आपको चाहिए इस बुक ये क्वेश्चन कहाँ से बने हैं तो इस बुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप अमेजोन से ऑर्डर मंगा सकते हैं। बुक लिंक मैंने दी है जिसमें आपको इंग्लिश, आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE बोर्ड से भी है और हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट दोस्तों के साथ। थैंक यू।